विवान, मैं अपनी सारी ऊर्जा का इस्तेमाल करके धरती लोक पर जाना होगा। अगर हमें आज परम धनुष प्राप्त करना है तो माता की मूर्ति का विसर्जन पूरा हो जाना चाहिए। फिकर नॉट भैया, इस विजयदशमी भी अच्छाई की ही विजय होगी। हर इस बार भी रावण ही चलेगा। का विनाश और शुरुआत होगी भारत नगर से। अम्बे माता की जय, माता दी जय, माता दी जय, माता दी जय, माता दी जय, माता मुझे यकीन है, इतना दूर से आए हो तो तुम्हारी बैटरी सिर्फ 5% बची होगी। अब मेरा सिर्फ एक बार और तुम दोनों की जिंदगी का अंत। हमारी बैटरी सिर्फ अच्छाई से चार्ज होती है, जो चाहे माइनस में क्यों ना हो तब भी, लेकिन हमारी पावर प्लस में रखती है। लेकिन आज यहाँ प्लस होगी मेरी ताकत और तुम्हारी सांसें माइनस। हो गया चाय का सूर्यास्त और उसके रक्षकों का अंत। बच्चे बोलो बस, अब कुछ देर और फिर परम धनुष तैयार। अंत तो तुम्हारा होगा, हमारा तो काम पूरा हुआ। जय माता दी जय माता दी। अब रावण दहन करने चलते हैं। चलो अगर काम पूरा हो ही गया है तो तुम्हारे होने की क्या जरूरत है।
कर देता हूं तुम्हारी जिंदगी का अंत। उठो बालवीर, और जिस काली अंधेरी बुराई का अंत करने का तुमने वचन लिया था उस वचन को पूरा करो। उठो और थामो ये परम धनुष अपने हाथों में। उठो और दहन करो बुराई के इस रावण का। उठो बालवीर, उठो और मिटा दो इस बुराई के अंश को हमेशा हमेशा के लिए इस धरती पे से। बुराई कल भी अच्छाई से दो कदम आगे थी और आज भी है। तुम कल भी कमजोर थे और आज भी कमजोर हो, और इतना ताकत और हथियार तुम जैसे कमजोरों के हाथ में अच्छा नहीं लगता। हाँ। जो कोई भी हो, मैं कलयुग का रावण हूं और आज मैं तुम्हारी माता रानी के साथ साथ तुम सबका विसर्जन करूंगा। सिर्फ 10 साल लगाने से कोई रावण नहीं बन जाता। रावण में बुराई थी लेकिन साथ ही साथ न्याय करने के और धर्म निभाने के गुण भी थे। अगर उसमें अहंकार था तो साथ ही साथ अंत समय पर अपनी गलती मानने का साहस भी था। क्या तुम में है वो साहस? बालवीर, मैंने बुराई के स्वरूप के लिए समय की गति को धीमा कर दिया है, पर तुम्हारे लिए समय नियमित गति से ही चल रहा है। इसलिए अब एक भी पल बिना गवाए परम धनुष से वार करो बुराई पर। लेकिन शौर्य, ये परम धनुष तो? ये परम धनुष है बालवीर, ये बुराई का अंत कर सकता है, बुराई इसका नहीं।
चलने के साथ आपका सपना भी चल के राख हो गया पापे। अम्बाल नींद में नहीं, खुली आंखों से सपना देखता है। इस बार नहीं सही, लेकिन अगली बार मेरा सपना जरूर पूरा होगा। जब तक मैं जिंदा हूं, बुराई नहीं हार सकते। मैं वापस आऊंगा बालवीर। पर ये मत भूलना कि हमेशा विजयदशमी के दिन बुराई पर अच्छाई की ही जीत होती है। जय माता दी। परम धनुष,
बुराई के खिलाफ लड़ाई में हमारी सहायता करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम आपसे विनम्र आग्रह करते हैं कि आप अपने स्थान पर लौट जाइए। भैया, इस बार की फाइट काफी ज्यादा टफ थी, लेकिन हम सब ने मिलकर शिंकाय विलन को हरा ही दिया। चलिए अब घर चलते हैं। हाँ विवान, अब हमें भारत नगर जाकर सबकी याददाश्त पर बितानी होगी। चलो। बालवीर, विवान तुम ठीक हो? हाँ हम ठीक हैं। बालवीर, विवान, विवान, बालवीर, बालवीर क्या हो गया? बालवीर उठो, विवान आगे खोलो, विवान, बालवीर, बालवीर उठो, बालवीर, शौर्य, क्या हो गया बालवीर को? आँख क्यों नहीं खोल रहे? अरे रे, स्वामी, इसके गाड़ी का इंजन तो शिंकाई पहुंचने के पहले ही फेल हो गया। नाम बड़े और दर्शन छोटे। स्वामी, ये तो गया नरक में। ए रे, रे, तू चिंता मत कर, मैं हूँ ना, मैं पूरा करूँगा तेरा ये सपना, मैं बनूँगा तेरे लिए बुराई का राजा। मैं नहीं, आप बनेंगे। अब इस अमृत जल से ही रे ठीक हो सकता है। है? स्वामी, आप रे के अंतिम संस्कार, मेरा मतलब है अंतिम उपचार का मौका मुझे दीजिए। विवान, उठो ना विवान। बालवीर, विवान, तुम ठीक हो ना? बालवीर, बालवीर तुम ठीक तो हो ना? लेकिन मेरे कान खुले थे, सब कुछ सुना मैंने। और रे को मारने के विश करने वाले को सबसे पहले रे मारता है। नहीं, माफ कर दो स्वामी, मुझे बचाइए, माफ करना रे, माफ करना। मेरी शक्तियां काम क्यों नहीं कर रही? योद्धा कितना भी बड़ा हो, जब एक बड़ा युद्ध लड़के आता है तो हार जीत के साथ साथ कुछ घाव भी लेकर आता है। इन दोनों बालवीर के साथ हुए इस महायुद्ध में उनका वो परम धनुष तुम्हारी जान तो नहीं ले पाया, लेकिन तुम्हारी शक्तियां छीनकर तुम्हें एक बड़ा घाव देकर गया है। स्वामी, स्वामी, हमें रे की शक्तियां वापस लानी पड़ेगी।
रे, तुम्हारी शक्तियां वापस आने में कम से कम 2 दिन यानी कि 48 घंटे का समय लगेगा। पवित्र जल से दोनों बालवीरों को उनकी शारीरिक शक्तियां तो मिल गई हैं, पर जादुई शक्तियां वापस प्राप्त करने में 2 दिनों का समय लगेगा। शौर्य, हम भरत नगर वाले वासियों की याददाश्त कैसे मिटाएंगे? वो मैंने मिटा दी है बालवीर। और शौर्य, अगर शिंकाई वालों को पता चल गया कि हमारे पास जादुई शक्तियां नहीं है तो वो इसका फायदा उठा सकते हैं। शौर्य, हम नेक्स्ट 48 आवर्स के लिए डिफेंसलेस नहीं रह सकते। अगर ऐसी भी शिंकाई विलन ने हम पर फिर से अटैक कर दिया तो? चिंता मत करो, इसका उपाय है हमारे पास। भानी परी, आप मेरे साथ चलिए। अब वक्त आ गया है उन सारी परियों को बुलाने का जो परितारा में समाहित हो चुकी है। चलिए। लेकिन बालपरी, हम बिना जादुई शक्तियों के वापस घर कैसे जाएंगे? अपना हाथ आगे करिए। ये यंत्र तुम दोनों की मदद करेगा। बालवीर, तुम अपना और विवान का ध्यान रखना। फानी परी, चलिए। फिक्र नॉट भैया, हमेशा की तरह इस बार भी हम ये 2 दिन हैंडल कर लेंगे। मुझे ऐसा लगता है जब तक तुम्हारी शक्तियां वापस ना आ जाएं, तुम्हें शिंकाई में ही रहना चाहिए। नो मिस्टर पे, शिंकाई नहीं, भारत नगर। रे कोई भी हिसाब अधूरा नहीं छोड़ता। उन दोनों बालवीरों ने मुझे हर्ट किया है ना, अब रे रिटर्न में उन्हें डबल हर्ट करेगा, डबल हर्ट। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, click the show links and enjoy watching the videos.